स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका सर प्रतीक्षा और हमारी कोशिश होती है कि मोबाइल पर एक क्लिक के जरिए आप देश की बड़ी खबरें जान सकें। इसी कड़ी में आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे, किसानों का आंदोलन। जी हां, एक तारीख से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस वक्त जो ताज़ा तस्वीर है वो ऐसी है कि पंजाब के किसान 6 जून को अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन बाकी राज्यों के जो किसान हैं वो 10 जून तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ये हो गया आंदोलन का पक्ष। इससे जुड़ा जो दूसरा पक्ष है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वही हमारी खबर की सबसे मेन और सबसे प्रमुख बिंदु है। दरअसल बीजेपी अब इस किसान आंदोलन को लेकर बेहद संजीदा हो गई है। वजह, मध्य प्रदेश का चुनाव जो कि इसी साल है 5 महीने बाद। वजह, किसानों का आंदोलन अब राजनीतिक रंग ले रहा है, जिसे अब बीजेपी बहुत हल्के में लेना नहीं चाहती। चूंकि किसान आंदोलन स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कराने के उद्देश्य से हो रहा है, इसलिए सीधा निशाना होगा केंद्र सरकार पर। अब केंद्र सरकार किसी भी लिहाज से इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से बचेगी। आपको याद होगा पिछले साल मध्य प्रदेश में जब किसान आंदोलन हुआ था तो वहां पुलिस और किसानों की झड़प में हिंसा हुई थी, जिसमें कुछ किसानों की मौत हुई थी और उस वक्त सरकार की इतनी किरकिरी हुई थी कि उस पूरी हिंसात्मक घटना से उभर पाने में उन्हें काफी वक्त लगा था। इस बार बीजेपी की कोशिश ये होगी कि ये आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से निपट जाए और इस तरीके का कोई भी हिंसात्मक जो कार्यक्रम कह लीजिए कि वो सामने निकल कर ना आए। इसीलिए बीजेपी ने अब संघ के जो कुछ बड़े किसान नेता रहे हैं या अभी भी हैं उनकी मदद ले रही है। उन किसान आंदोलनों में उन किसान नेताओं के बीच अपने उन संघ के नेताओं को भेजा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कहने कि जो राजनीतिक ताकतें इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं उनके बहकावे में ना आए। फिलहाल देश में किसान आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इसका असर आम आदमियों पर भी दिख रहा है, आप और हम जैसे लोगों पर भी दिख रहा है। दूध और सब्जियों की जो सप्लाई है वो लगातार बंद है कई जगहों पर और कई जगह कम होती दिख रही है। बहरहाल किसान आंदोलनों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि BSF के हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं सीमा पर, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान के जो सैन्य कर्मचारी रहे हैं, जो अधिकारी रहे हैं, उनके बीच में एक बैठक हुई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर वादा किया है कि वो संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं करेगा। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टि से अगर नज़र डालें तो कभी भी पाकिस्तान अपने इस वादे पर पूरा नहीं उतरा है, खरा नहीं उतरा है। इसलिए भी इस वादे को कहा जाए कि ये सही होगा या गलत, ये कहना अभी तो वक्त पर छोड़ते हैं। बहरहाल आपको खबर बताते हैं, BSF के 2 जवान जब शहीद हुए तो BSF ने भी मुखर रूप अपनाया और BSF की तरफ से कहा गया कि अगर संघर्ष विराम का उल्लंघन होगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह 7 जून को जम्मू कश्मीर भी जाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक स्पष्ट शब्दों में एक बात कही है कि गोली बंदूक से चर्चा नहीं होगी, बोली से ही इस समस्या का समाधान है। हालांकि भारत लगातार इस तरीके की कोशिश करता रहा है लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके का रवैया नजर नहीं आया है। सीमा पर जिस तरीके की गोलाबारी या जिस तरीके से संघर्ष विराम का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान करता रहा है, देखना है कि ये शांति प्रक्रिया किस दिशा में जाती है। नजर हमारी इस बड़ी खबर पर भी बनी रहेगी। और आज की तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं और आपको एक बार फिर लिए चलते हैं राजनीतिक गलियारों में। जी हाँ, अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह मातोश्री जाएंगे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने। जी हाँ, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने का मकसद ये है कि मान मलोवल और गुंजाइश, जी गुंजाइश तलाशते हुए पहुंचने वाले हैं अमित शाह मातोश्री उद्धव ठाकरे से मिलने। 2019 का पेंच सामने है और चुनाव से पहले अगर अपने सहयोगी दलों का सहयोग ना मिले और वहां नाराजगी हो तो दूसरे के बात कैसे करेंगे। इसी कड़ी में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की बात कही है और वो मातोश्री जाने वाले हैं। नजर हमारी इस मुलाकात पर होगी और हम आपको बताएंगे कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। स्पोर्ट्स जगत से एक बड़ी खबर है, एशियाड होने वाला है और आपको बता दें कि 44 साल के लिएंडर पेस ने एशियाड में जो टीम जा रही है उसमें अपनी जगह बनाई है। अब तक के सबसे अनुभवी और सबसे कह लीजिए टेनिस के कुशल खिलाड़ी जो है भारत की तरफ से लिएंडर पेस हैं। 44 साल की उम्र में एक बार फिर उनका चयन हुआ है एशियाड के लिए, देश के लिए भी गर्व की बात है और लिएंडर पेस के लिए भी बेहद खुशी की बात है। आपको बता दें कि 2006 से लगातार लिएंडर पेस एशियाड से दूर रहे हैं और इस बार उनका सिलेक्शन हुआ है, बेहद खुश हैं वो और उन्होंने अपनी खुशी जो है वो अखिल भारतीय जो एसोसिएशन है टेनिस का उसके प्रति भी जाहिर की है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि
जिस तरीके से एसोसिएशन ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है, निश्चित ही वो इस पर खरे उतरेंगे। 17 तारीख से एशियाड शुरू होने वाला है जकार्ता में और सबकी निगाहें टिकी होंगी क्योंकि भारत की तरफ से 12 सदस्यों की टीम वहां जा रही है। आज की अंतिम और देश की चर्चा वाली खबर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश का मुगलसराय स्टेशन अब नए नाम से जाना जाएगा। वैसे सियासत हमेशा नाम से ही जानी जाती है, अब मुगलसराय स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, IRCTC ने, रेलवे ने इस बात की पुष्टि कर दी है और अब मुगलसराय पूरी तरह से स्टेशन का नाम जो है वो बदल कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। तो ये और ऐसी तमाम खबरें हमारी कोशिश होगी कि हम आप तक पहुंचाएं। आज देश दुनिया की जो बड़ी खबरें थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा अच्छा हो, इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।